Welcome back to Emel Khan Biology. Today the topic for discussion is ABO blood group. आज का जो topic है वो ABO blood group के बारे में है कि हम में blood group A, blood group B और blood group O ये कैसे पाए जाते हैं और इनका molecular mechanism क्या है, आज हम ये discuss करेंगे. अच्छा, तो हम start करेंगे अपना discussion. मैं यहाँ पे एक cell draw करता हूँ. This cell is immature RBC. ये immature RBC है, red blood cell है, immature है. अभी तक ये mature नहीं हुआ. जब ये mature नहीं होगा तो it means इसके अंदर nucleus मौजूद है. इसके अंदर nucleus मौजूद है, इसका nucleus है. ठीक. और इसी तरह इस nucleus के अंदर chromosomes मौजूद होंगे. तो हम क्या करेंगे, हम इसके यहाँ पे chromosomes बनाएंगे. कि मैं इसका एक क्रोमोसोम बना रहा हूं और ये इसका. ठीक. लेट सपोज मैं कहता हूं कि ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है. अगर ये क्रोमोसोम नंबर वन है जो मैटरनल है, मतलब मदर से आए, तो अगला फादर से आया होगा, वो भी क्रोमोसोम नंबर वन होगा. और अगर ये दोनों टू है तो दोनों टू होंगे. सही. तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम है. अच्छा, इसी तरह हम अपने डिस्कशन के लिए एक और सेल भी यहां पर लेंगे. इस सेल को कहते हैं प्लाज्मा सेल. ये प्लाज्मा सेल होते हैं. ठीक है. दीज आर प्लाज्मा सेल्स. दीज आर एंटीबॉडी या एंटीबॉडीज प्रोड्यूसिंग सेल्स. इसको हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडी, एंटीबॉडीज प्रोड्यूसिंग सेल्स. ये क्या करते हैं, ये एंटीबॉडीज बनाते हैं. दीज आर एंटीबॉडीज प्रोड्यूसिंग सेल्स, प्लाज्मा सेल्स. अब प्लाज्मा सेल के अंदर भी न्यूक्लियस मौजूद है. ये प्लाज्मा सेल है, इसके अंदर भी न्यूक्लियस मौजूद है और इसके अंदर भी हम क्रोमोसोम स्टडी करेंगे कि ब्लड ग्रुप का अभी इमेच्योर आरबीसी और प्लाज्मा सेल से क्या काम है. अभी हम इसकी ये डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर लेवल पे. ठीक. अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन. अच्छा, अब ये इमेच्योर आरबीसी है, जिसे इमेच्योर आरबीसी हम क्या करेंगे यहां पे. सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं. लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि ये जीन, दिस इज जीन ए, ये वाला जो पोर्शन है ये जीन ए, दिस इज जीन ए. और अगर ये मैटरनल भी जीन ए तो इसका अलील भी जीन ए होगा जो कि पैटर्नल होगा. ये भी जीन ए मौजूद है. ठीक. आप याद रखें इसका जो एंटी होगा, इसका जो एंटी होगा वो प्लाज्मा सेल में इस वाली क्रोमोसोम पे मौजूद होगा. इस जीन को हम कहेंगे एंटी ए जीन, एंटी ए जीन. और इसका जो अलील होगा वो भी एंटी ए जीन होगा, एंटी ए जीन. इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर ये जीन एक्सप्रेस होगा, ए वाली जीन्स एक्सप्रेस होंगे तो एंटी ए वाली जीन्स एक्सप्रेस नहीं होंगे. इसको मैं मजीद क्लियरिफाई करूंगा. ठीक. अब इसके बाद मैं कहता हूं कि ये जीन नंबर टू है, अगला जीन है, इसको हम नाम देंगे बी जीन का. बी जीन का नाम देंगे. अब क्या होगा, प्लाज्मा सेल में, प्लाज्मा सेल में एंटीबॉडीज प्रोड्यूसिंग सेल में क्या होगा, यहां पे जो जीन होगा उसको हम कहेंगे एंटी बी जीन, एंटी बी जीन. और ये वाला क्या होगा, ये भी एंटी बी जीन कहलाएगा. मतलब वही वाली बात है, अगर ये जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं तो ये वाली जीन्स एक्सप्रेस नहीं होंगे. और अगर इन वाली जीन्स में एक्सप्रेस हो रहे हैं फिर ये वाली जीन्स एक्सप्रेस नहीं होंगे. ठीक. अच्छा जी, इसके अलावा हम क्या कहेंगे, यहां पे एक थर्ड जीन मौजूद है, इसे हम कहेंगे आर एच जीन. क्या कहेंगे, आर एच जीन. और ये वाला भी क्या कहलाएगा, ये भी आर एच जीन कहलाएगा. ठीक है. दीज आर आर एच जीन. तो प्लाज्मा सेल में क्या होगा, एंटी होंगे. वेरी गुड. क्या होंगे, इसके एंटी होंगे. तो हम कहेंगे दीज आर एंटी आर एच जीन्स. और ये भी एंटी आर एच जीन होगा, एंटी आर एच जीन. वही वाली बात है कि अगर इन जीन्स ने एक्सप्रेस हो रहे हैं, अगर ये जीन्स एक्सप्रेस होंगे तो ये वाले जीन एक्सप्रेस नहीं होंगे, ये वाले सुप्रेस हो जाएंगे. और अगर ये वाले जीन्स एक्सप्रेस होंगे तो ये वाले जीन एक्सप्रेस नहीं होंगे. तो हम क्या करेंगे, हम इस तरह कहेंगे
कि अगर ये जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक्सप्रेस हो रहे हैं तो हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे, अगर ये जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं तो ये वाले जीन एक्सप्रेस नहीं होंगे, हम इसको माइनस से शो करेंगे, ठीक। और अगर ये वाले जीन्स एक्सप्रेस हो रहे हैं, अगर ये वाले जीन प्लस हो रहे हैं तो ये वाले जीन्स फिर क्या होंगे, वो एक्सप्रेस नहीं होंगे, ये वाले जीन्स फिर माइनस होंगे। अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब हम पूरा समझेंगे। अच्छा, इसके बाद एक और जीन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ये जीन, उस जीन को हम कहेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि यहाँ पे जीन है, ये जीन है और इस जीन का नाम है, ये जीन, इस जीन का नाम है ओ जीन, कौन सा जीन, ओ जीन, और ये भी ओ जीन है। अब ये करेगा क्या, ये ओ जीन जो है इट इज अ हाउस कीपिंग जीन, मतलब ये हर सेल में 100% पॉपुलेशन में तमाम इंसानों में ये जीन्स एक्सप्रेस होते हैं, ये वाले जीन्स एक्सप्रेस होंगे तमाम इंसानों में 100% पॉपुलेशन में। तो ये क्या होगा, एक्सप्रेशन का मतलब है कि ये जो डीएनए, डीएनए से क्या बनेगा, डीएनए से आरएनए बनेगा, ये आरएनए बना और इससे भी आरएनए बना, ये आरएनए बना, ठीक है, आरएनए इज, और आरएनए क्या करेगा, न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा, ये आरएनए न्यूक्लियस से बाहर आया, ठीक, ये आरएनए न्यूक्लियस से बाहर आया, ये आरएनए न्यूक्लियस से बाहर आया। अब क्या करेगा, बाहर आने के बाद आप जब मेरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला लेक्चर देखेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गॉजी बॉडी वाला लेक्चर, ठीक है, तो उसमें ये फॉर एग्जाम्पल ये हमने बनाया क्या, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और यहां पे मैं बना रहा हूं गोल्जी बॉडी, ये गोल्जी बॉडी है, ये गोल्जी बॉडी, ठीक। अच्छा जी, अब क्या होगा, सिमिलरली यहां पे भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैं बनाऊंगा, ठीक, दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये गोल्जी बॉडी, ये भी इनकी गोल्जी बॉडी है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहां पर क्या होगा, ये आरएनए क्या करेगा, अब यहां पर राइबोसोम्स मौजूद है, देयर आर राइबोसोम्स प्रेजेंट हियर, ठीक, मेरा लेक्चर राइबोसोम पे भी है, आप वो वाला भी जरूर देखें। राइबोसोम पे क्या होंगे, ये आरएनए जब इस राइबोसोम में से गुजरेगा तो क्या करेगा, ट्रांसलेशन का प्रोसेस करेगा, मैसेंजर आरएनए से वो प्रोटीन बनाएगा, क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, इट फॉर्म्स अ प्रोटीन। अब ये क्या करेगा, जब ये प्रोटीन बनेगा, फॉर एग्जाम्पल इस मैसेंजर आरएनए जब यहां से गुजरा, इसने एक प्रोटीन बनाया, ये वाला प्रोटीन बनाया, ठीक है। अब ये क्या है, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन बना, अब ये प्रोटीन क्या करेगा, ये प्रोटीन एंटर होगा इनटू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये प्रोटीन और एंटर कहां पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंटर हुआ और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसको एक प्रॉपर शेप दिया गया, क्या, एक प्रॉपर शेप दिया गया, और जब इसको एक प्रॉपर शेप दिया गया तो इससे ये चीज बना, इस तरह के स्ट्रक्चर बना, इसे हम कहेंगे एंजाइम, ये एंजाइम था, ये क्या था, ये एंजाइम था। तो ओ जीन जो है वो एक एंजाइम को कोड कर रहा था, ठीक है, या करता है, तो हम क्या कहेंगे, ये एंजाइम, तो मैं इसको थोड़ी इस तरह बना रहा था, ये एंजाइम किसने बनाया। अब इस एंजाइम का फंक्शन क्या होगा, मैं बताता हूं इसका फंक्शन। अब यहां पर क्या है, सेल के बाहर चंद कार्बोहाइड्रेट्स मोनोमर मौजूद है, सेल के बाहर चंद कार्बोहाइड्रेट्स मोनोमर मौजूद है, लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि ग्लूकोज मौजूद है, ठीक, वो क्या करेगा, वो ग्लूकोज एंटर करेगा इनटू द सेल और वेसिकल की फॉर्म एंटर करेगा, ठीक है। अब दिस वेसिकल कंटेन्स मल्टीपल कार्बोहाइड्रेट मोनोमर्स इसके मौजूद है, वो क्या करेगा, इसके साथ फ्यूज कर देगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ फ्यूज कर देगा। फ्यूजन के बाद अब ये एक फॉर एग्जाम्पल ये ग्लूकोज मौजूद है, ये अगला ग्लूकोज मौजूद है, ये अगला ग्लूकोज मौजूद है, ठीक है, और ये चार ग्लूकोज मौजूद है। अब यहां पे क्या होगा, ये जो एंजाइम बना, इस एंजाइम का काम क्या है, ये एंजाइम इन ग्लूकोज के दरमियान बॉन्ड बना देगा, इस मोनोसैकेराइड को कन्वर्ट करेगा इनटू ओलिगोसैकेराइड, किस चीज में, ओलिगोसैकेराइड में कन्वर्ट कर देगा, इनके दरमियान बॉन्ड बना देगा। अब ये जो बॉन्ड बनाया, ये किसने बनाया, ये बॉन्ड बनाना किसका काम था, ये इस वाली एंजाइम का काम था जो कि इस जीन से एक्सप्रेस हुआ। तो इस एंजाइम ने क्या किया, ओलिगोसैकेराइड्स सिंथेसाइज किए। अभी ओलिगोसैकेराइड क्या करेगा, ये ओलिगोसैकेराइड में तो यहाँ पे बड़ा बना, मेरे पास स्पेस कम है, ठीक है, ये ओलिगोसैकेराइड जब यहाँ से निकलेगा किस फॉर्म में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल की फॉर्म में जो बाहर निकलेगा, ये बाहर निकला, अब ये ओलिगोमर यहाँ पे मौजूद है,
ये ओलिगोमर में इस तरह बना रहा हूँ, ये ओलिगोमर ग्लूकोज 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 ओलिगोमर मौजूद है। अभी ओलिगोमर क्या करेगा, ये वेसिकल ये गोल्जी बॉडी के पास आएगा और गोल्जी बॉडी में आने के पास अब इसमें मॉडिफिकेशन होगी, क्या होगा, चंद मॉडिफिकेशन होंगी और फाइनली जब ये इससे बाहर निकलेगा ये गोल्जी बॉडी के मेम्ब्रेन में इम्प्लांट हो जाएगा और इम्प्लांटेशन के बाद ये यहाँ से बाहर निकलेगा वेसिकल की फॉर्म में। और आप जब मेरा गोल्जी बॉडी वाला लेक्चर देखेंगे तो उसमें आपको पूरा क्लियर होगा कि अब ये क्या होगा, ये गोल्जी बॉडी, चलिए मैं इस गोल्जी बॉडी को ब्लू से बना रहा हूँ ठीक है, ताकि आपको समझ में, ये गोल्जी बॉडी को मैं ब्लू से बना रहा हूँ ठीक, ये गोल्जी बॉडी, ये गोल्जी बॉडी, ये गोल्जी बॉडी ठीक है, ये गोल्जी बॉडी, इसको मैंने ब्लू से बनाया। अब ये क्या करेगा, ये जो वेसिकल बना, ये वेसिकल, इसमें ये ओलिगोमर इम्प्लांट था, इसमें ओलिगोमर इम्प्लांट था, अब ये क्या करेगा, वेसिकल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर देगा, फ्यूजन के बाद जब इसके साथ फ्यूजन करेगा तो ये जो पैच है मेम्ब्रेन का, सेल मेम्ब्रेन का, इसमें ये वाला पैच आ जाएगा ठीक है। और इसके अंदर क्या इम्प्लांट है, ऑलरेडी एक ओलिगोसैकेराइड इम्प्लांट है, ये क्या इम्प्लांट है, ओलिगोसैकेराइड इम्प्लांट है, इसको कहते हैं ओ एंटीजन, क्या बोलेंगे, ओ एंटीजन, दिस इज अ ओ एंटीजन, ये ओ एंटीजन है, ओ एंटीजन। अभी तमाम इंसानों के अंदर मौजूद है, तमाम पॉपुलेशन के अंदर ये मौजूद है और ये एक्सप्रेस होते हैं किस पे, आरबीसीज पे ये मौजूद होंगे, ये ओ एंटीजन है ठीक। अच्छा जी, लेट्स सपोज, और से लेके मैं कहता हूं कि इनमें से सिर्फ, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं मेरे अंदर सिर्फ ओ जीन एक्सप्रेस हुआ, ओ जीन एक्सप्रेशन के बाद मेरे आरबीसीज पे सिर्फ ओ एंटीजन मौजूद होगा तो मेरा ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ ग्रुप होगा, मेरा ब्लड ग्रुप क्या होगा, ये ओ ग्रुप होगा मेरा ठीक। तो ओ ग्रुप वाले जिनका ब्लड ग्रुप ओ होगा उनमें सिर्फ ये वाले एंजाइम एक्सप्रेस होते हैं और उनके आरबीसीज के सरफेस पे ओ एंटीजन मौजूद होता है और ओ एंटीजन ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद, अच्छा ये तो वो ओ एंटीजन, इसके बाद क्या होगा, लेट सपोज मैं कहता हूं कि ये ई जीन एक्सप्रेस होते हैं। अच्छा जी, पहले ए को छोड़े, मैं कहता हूं कि यहाँ पे ओ आर एच जीन एक्सप्रेस होगा, फॉर एग्जाम्पल ये आर एच जीन, ये मैं आर एच जीन को थोड़ा हाईलाइट करके बना रहा हूं, आर एच जीन, ये आर एच जीन है। अब स्टोरी वही है, अब आर एच जीन जो है यहाँ पे, आर एच जीन से क्या होगा, ये बनेगा आर एन ए बनाएंगे, वेरी गुड, सिमिलरली आर एन ए, ये भी आर एन ए बना रहे, आर एन ए बाहर निकलेंगे सेल से, न्यूक्लियस से बाहर निकलेंगे और न्यूक्लियस से बाहर निकलने के बाद ये इन वाले राइबोसोम्स के पास पहुंचेंगे ठीक, मैकेनिज्म वही है। और जब यहां से प्रोटीन बनाएंगे, प्रोटीन बनाने के बाद ये प्रोटीन जब अंदर आएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, इसको एक प्रॉपर शेप दिया जाएगा। अब इस वक्त ये जो आर एच वाला, ये जो आर एच जीन एक्सप्रेस हुआ, इस जो प्रोटीन बना, इसको मैं रॉड की शेप में बना रहा हूं, ये रॉड की शेप में बना रहा हूं ठीक। अब ये प्रोटीन है, ये खुद प्रोटीन है, ये प्रोटीन ट्रांसफर करेगा गोल्जी बॉडी में वेसिकल की फॉर्म में ठीक, ये रॉड यहां पे ट्रांसफर हुआ। और इसके बाद इससे क्या होगा, यही रॉड जो है वो क्या करेगा, गोल्जी बॉडी के मेम्ब्रेन के अंदर इम्प्लांट हो जाएगा और इम्प्लांटेशन के बाद ये क्या करेगा, एक अगला वेसिकल बनाएगा और इस वेसिकल में ये वाला जो प्रोटीन है, जो आरएच प्रोटीन था, वो यहां पे इम्प्लांट हुए। और फाइनली जब ये इसके साथ फ्यूज करेगा सेल मेम्ब्रेन के साथ, तो ये क्या करेगा, अब ये पैच ब्लू हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये वेसिकल सारा का सारा ये ब्लू वाला वेसिकल, ये वाला यहां पे आ गया और इसके अंदर ऑलरेडी एक आरएच प्रोटीन इम्प्लांट है। अब जरा गौर से देखें, शुरू में मैंने आपको बताया अगर ये जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं, अगर ये जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं तो एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। तो जरा गौर से देखें, अगर आर एच प्रोटीन, दिस इज आर एच प्रोटीन, ये आर एच प्रोटीन है, आर एच प्रोटीन, तो अगर आर एच प्रोटीन मौजूद है तो इट मीन ये पॉजिटिव है, गौर से देखें ये पॉजिटिव है, और वहां पे ओ एंटीजन मौजूद है तो इस बंदे का जो ब्लड ग्रुप होगा वो ओ होगा, लेकिन यहाँ पे आर एच प्रोटीन एक्सप्रेस हो रही थी उसको पॉजिटिव शो करते, इसे हम कहते हैं पॉजिटिव, तो ये क्या होगा, ओ पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा, ये ओ
पॉजिटिव होगा। और अगर आर जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहा तो मतलब ये वाला प्रोटीन आरबीसी के मेम्ब्रेन में मौजूद नहीं है, तो ना होने को फिर हम नेगेटिव से शो करते हैं ना, मैंने लेक्चर की शुरू में बताया ना होने को नेगेटिव से शो करेंगे, फिर हम कहेंगे इस बंदे का जो ब्लड ग्रुप है वो ओ नेगेटिव होगा। फिर क्या होगा, ओ नेगेटिव होगा, क्योंकि उस पे उसके सेल आरबीसीज के मेम्ब्रेन पे ये वाला प्रोटीन मौजूद नहीं होगा, आरएच प्रोटीन मौजूद नहीं होगा। अच्छा अब लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि ये पॉजिटिव है, यहां पे आरएच जीन एक्सप्रेस हो रहे, एक्सप्रेशन से आरएनए बन रहे, आरएनए जाकर प्रोटीन बना रहे, और प्रोटीन ये वाले प्रोटीन बने और वो जो भाई गॉल्जी बॉडी के पास वो आकर यहां पे इम्प्लांट हो गए। अब जब यहां पे आकर इम्प्लांट हुए, अच्छा जब यहां पे आकर इम्प्लांट हुए हम कहेंगे ये ओ पॉजिटिव है। अच्छा मैंने आपको लेक्चर के शुरू में बताया, अगर आपको याद हो मैंने कहा कि अगर ये वाला जीन एक्सप्रेस होगा आरएच, तो उसके जो एंटी होगा जो प्लाज्मा सेल है एंटी होगा, ये वाला आरएच एंटी आरएच वो एक्सप्रेस नहीं होगा, वो सुप्रेस हो जाएगा, वो क्या होगा, वो एक्सप्रेस नहीं होगा, वो सुप्रेस हो जाएगा। आया समझ में? अब यहां पे क्या है, इस बंदे का ब्लड ग्रुप क्या है, इस बंदे का ब्लड ग्रुप ओ है, ओ एंटीजन मौजूद है, ये ओ इस एंटीजन को शो करते हैं ठीक, और इसमें ये वाला प्रोटीन एक्सप्रेस हो रहा है तो हम कहेंगे ओ पॉजिटिव, ये ओ पॉजिटिव है। अब इसमें क्या होगा, आर एच जीन जो एक्सप्रेस हो रहे ये पॉजिटिव इस आर एच जीन को शो कर रहे हैं ठीक है, इसके एक्सप्रेशन को शो कर रहे हैं, लेकिन ये जो एंटी आर एच है एंटी आर एच ये एक्सप्रेस नहीं हो रहा, ये सुप्रेस हो रहा है, ये एक्सप्रेस नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे जो बाकी जीन्स मौजूद है वो एक्सप्रेस होंगे, वो क्या होंगे, वो एक्सप्रेस होंगे। अब क्या होगा, एंटी ए भी एक्सप्रेस होगा, एंटी ए कैसे एक्सप्रेस होगा, जीन है, जीन से क्या बनेगा, वही मैकेनिज्म सिमिलर, जीन से आरएनए बनेगा और आरएनए से क्या बनेंगे, प्रोटीन्स बनेंगे, वेरी गुड, इससे आरएनए बना, इससे भी आरएनए बना, और इससे क्या बना, जब ये आरएनए सेल से बाहर और न्यूक्लियस से बाहर निकला तो ये आरएनए गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, फॉर एग्जांपल ये ईपीआर है, और जब इसके राइबोसोम के पास है, ये राइबोसोम में जब इसके राइबोसोम के पास है तो इसकी ट्रांसलेशन हुई, इससे प्रोटीन बना, और ये प्रोटीन जब ईपीआर के अंदर चला गया इसको इस तरह का शेप दिया गया, इस तरह का शेप दिया गया। अब ये क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, इसको ट्रांसफर करेगा टुवर्ड्स द गॉल्जी बॉडी, और ये गॉल्जी बॉडी के पास ट्रांसफर हुआ, और गॉल्जी बॉडी क्या करेगा, इसको वेसिकल में क्या करेगा, ये गॉल्जी बॉडी से इस ट्रैक से होकर अगले ट्रैक में पहुंचा और फाइनली यहां पे पहुंचा, और ये वेसिकल इसे फ्यूज कर गया तो ये वाला एंटीबॉडी बाहर निकल आया। अब ये क्या था, ये ए वाला था, ये क्या है, ये एंटी ए एंटीबॉडी है, ये एंटी ए एंटीबॉडी, ये एंटी ए एंटीबॉडी। अब इस शख्स के अंदर एंटी ए एंटीबॉडी बना, ठीक हुआ। अब शुरू में हमने पढ़ा अगर एंटी ए एक्सप्रेस होगा तो ये वाला फिर एक्सप्रेस नहीं होगा, ठीक है, ये वाला सुप्रेस हो जाएगा। और अब क्या होगा, इसके अंदर एंटी बी भी एक्सप्रेस हो रहा है, एंटी बी इज आल्सो एक्सप्रेसिंग, ठीक है, ये भी एक्सप्रेस हो रहा है, आरएनए बना, आरएनए बाहर निकला, न्यूक्लियस से बाहर निकला, और ये यहां पे प्रोटीन बना, प्रोटीन, ठीक है, ये यहां पे ईपीआर में, और इससे प्रोटीन बना, और प्रोटीन बनने के बाद इसको एक प्रॉपर शेप दी गई, और इसको गॉल्जी बॉडी से होते हुए बाहर इसके वेसिकल बना, और ये भी इसी शेप में था, ठीक है, और ये जो बाहर निकला इसको हमने नाम दिया एंटी बी एंटीबॉडी, एंटी बी एंटीबॉडी। अब ये एंटी ए एंटीबॉडी, ये एंटी बी एंटीबॉडी बने, ठीक हो यहां तक। अच्छा अब देखें, जब ये जीन एक्सप्रेस होंगी तो ये वाली जीन एक्सप्रेस नहीं होगी, ये सुप्रेस हो जाएंगे शुरू में, ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है तो अगला वाली वाले क्या होगा, ये फिर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक, ये एक्सप्रेस फिर नहीं होगा। अब और से देखें, अब जिस बंदे का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव होगा उसमें एंटी ए एंटीबॉडी मौजूद है, उस शख्स में एंटी बी एंटीबॉडी मौजूद है, ठीक, ये मौजूद है, लेकिन उसमें एंटी आर एच एंटीबॉडी मौजूद नहीं है, क्यों, याद रखें, याद होगा आपको, अगर ये वाली एक्सप्रेस होंगी तो ये वाली एक्सप्रेस नहीं होगी। तो ब्लड ग्रुप ओ में क्या होगा, ब्लड ग्रुप ओ में ये ओ पॉजिटिव है तो इसमें एंटी बी एंटीबॉडी भी मौजूद होगी उसके ब्लड में, उसके प्लाज्मा में, और एंटी बी एंटीबॉडी भी मौजूद होगी उसके ब्लड में। अच्छा चलिए हम इस तरह करते हैं, मैं कहता हूं कि ये आरएच प्रोटीन एक्सप्रेस नहीं हुआ,
मैं कहता हूँ कि ये आरिश प्रोटीन एक्सप्रेस नहीं हुआ, कॉमन सेंस की बात है, जब आरिश एक्सप्रेस नहीं होगा जी वेरी गुड एंटी आरिश एक्सप्रेस हो जाएगा, और जब एंटी आरिश, अच्छा जब आरिश एक्सप्रेस नहीं होगा तो इट मीन ये वाला एक्सप्रेस नहीं हो रहा तो ये पॉजिटिव नहीं है, ये क्या होगा, जो पॉजिटिव नहीं होगा तो ये नेगेटिव होगा, ठीक, जब ये एक्सप्रेस नहीं होगा तो ओ नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, ये क्या होगा, ये ओ नेगेटिव होगा, ओ नेगेटिव में क्या होगा, ओ नेगेटिव है, ओ नेगेटिव में क्या होगा, जब आरिश एक्सप्रेस नहीं हो रहा, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि ये एक्सप्रेस नहीं हो रहा तो इसका एंटी आरिश एक्सप्रेस होगा, एंटी आरिश क्या होगा, ये एक्सप्रेस होगा, वेरी गुड, जब एंटी आरिश एक्सप्रेस होगा तो बात वही होगी कि एंटी आरिश से आरएनए बनेगा, एंटी आरिश जीन से आरएनए बनेंगे और ये आरएनए बाहर आएंगे और उससे प्रोटीन बनेंगे और वो प्रोटीन भी बिल्कुल इसी तरह की शेप में होंगे और वो ईपीआर से होते हुए गोल्जी बॉडी से होते हुए सर से बाहर निकलेंगे, वो ये इस तरह के प्रोटीन्स बनाएंगे, इसे कहते हैं एंटी आरएच एंटीबॉडी। अब ये ओ नेगेटिव बंदे में, ओ नेगेटिव वाले में एंटी एंटीबॉडी भी मौजूद है, एंटी बी एंटीबॉडी भी मौजूद है और एंटी आरएच एंटीबॉडी भी मौजूद है, क्लियर। पॉजिटिव में क्या था, पॉजिटिव में एंटी आरएच एंटीबॉडी मौजूद नहीं थे, ठीक। अच्छा अब ये मैकेनिज्म, लेट सपोज मैं कहता हूं कि ये जी ए जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं, अच्छा ये काफी बिजी डायग्राम है, ठीक है, लेकिन आपको ये लेक्चर याद हो कि पॉजिटिव कब होंगे, जो भी एक्सप्रेस होंगे और जो एक्सप्रेस नहीं होंगे उसे हम यहाँ पे नेगेटिव से शो करेंगे, ठीक है। अच्छा अब ये काफी बिजी डायग्राम है, मैं इसको थोड़ा यहाँ पे थोड़ा क्लियर करता हूं। अच्छा इसमें क्या होगा, अच्छा इसमें इस तरह कहूंगा कि चल मैं इसको यहां पर बिठा देता हूं, अच्छा लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि जीन ई एक्सप्रेस हुआ, ये वाला जीन एक्सप्रेस हुआ, ठीक। अब इसके एक्सप्रेशन से, अच्छा वो तो एक्सप्रेस हो रहे हैं, ठीक है उसको छोड़ें, अब जीन ए एक्सप्रेस हो रहा है, अब जीन ए जब एक्सप्रेस हो रहा है इसको मैं पर्पल से शो करूंगा, जीन ए एक्सप्रेस होगा, सो जीन एक्सप्रेशन मींस इससे आरएनए बनेगा, ये इसका आरएनए बना, इससे भी आरएनए बना, आरएनए बनने के बाद जी पहले नंबर वन, पहले तो आपको क्लियर हो जब जीन ए एक्सप्रेस होंगे तो एंटी ए जीन एक्सप्रेस नहीं होंगे, वो सप्रेस हो जाएंगे, पहले आपको ये याद हो, ठीक है, एंटी ए जीन एक्सप्रेस नहीं होंगे, वो क्या होंगे, वो सप्रेस हो जाएंगे। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं, दोबारा यहां पे बना रहा हूं, अच्छा मैं कहता हूं कि ये एंटी ए जीन है, ये वाले एंटी ए जीन, ये एंटी ए जीन और ये एंटी बी जीन, और ये एंटी बी जीन, नंबर वन हम क्या पढ़ रहे हैं, एंटी ये ए जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं, अब ए जब एक्सप्रेस होगा तो कॉमन सेंस एंटी ए वाली जीन एक्सप्रेस नहीं होंगे, उसको सुप्रेस कर दिया जाएगा। अब यहां पे क्या होगा, ये क्या करेगा ए जीन, और से देखें, इससे आरएनए बना, आरएनए न्यूक्लियस से बाहर निकला, जब आरएनए न्यूक्लियस से बाहर निकला तो अच्छा ये ईपीआर है, ठीक है, आरएनए जब न्यूक्लियस से बाहर निकला, ये आरएनए और ये आरएनए न्यूक्लियस से बाहर निकला, ये आरएनए न्यूक्लियस से बाहर निकला और ये आया किसके पास, राइबोसोम के पास आया, जो कि अटैच राइबोसोम है, इसके पास आया और इससे क्या बना, इससे एक प्रोटीन बना और प्रोटीन जब अंदर एंटर कर गया वो एक एंजाइम था, वो प्रोटीन क्या था, वो भी एंजाइम था। अब ए क्या करे, ए जीन वो भी एंजाइम को कोट कर रहा है, जैसे ओ जीन एंजाइम को कोट कर रहा था, ए जीन भी एंजाइम को कोट कर रहा है, अब ये ए जीन से क्या बना, ए जीन से एंजाइम बना, अब इस एंजाइम को थोड़ा डिफरेंट फंक्शन होगा, क्या फंक्शन होगा, ओ तो एक्सप्रेस हो रहे, ओ तो सब एक्सप्रेस हो रहे, ओ का काम क्या है कि वही वाले ओलिगोमर्स बना रहे, इनके दरमियान बॉन्ड बना रहे, ठीक, इनके दरमियान बॉन्ड बना रहे। अब क्या होगा, ये जो एंजाइम बना ए जीन के एक्सप्रेशन से, इस एंजाइम का फंक्शन है, इस एंजाइम का फंक्शन क्या होगा कि सेल के अंदर, अब सेल के अंदर मौजूद है एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमीन, एक मॉलिक्यूल का नाम है एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमीन, ठीक है, एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमीन, मैं सारा बना रहा हूं एन एसिटाइल, ठीक है, ये गैलेक्टोज अमीन, मैं इसको इस तरह बनाता हूं, ठीक है,
एन ए सी टर्न कनेक्ट टू जमीन, ठीक है, इसकी भी सरल लिखती एन ई सी ई कनेक्ट टू जमीन, ये युक्सर के अंदर एंटर हुआ, मैं इसको सिर्फ एन से शो करता हूँ, ठीक है, एन ए सी टर्न कनेक्ट टू जमीन या एन ए सी शो करता हूँ, एन ए सी ये एंटर हुआ, और ये जब ई पी आर के अंदर आया, अब इसने क्या किया, इस एंजाइम ने क्या किया, इस एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमीन को इसके साथ अटैच कर दिया, किसके साथ, इसके साथ अटैच कर दिया, इसको मैं इस सर्कल से शो कर सकूं, ये सर्कल है, ये सर्कल एंटर हुआ ईपीआर के अंदर, ये स्फीयर एंटर हुआ, ये बॉल एंटर हुआ कहां पे, ईपीआर के अंदर, और इस बॉल को अटैच करवा दिया गया किससे, इस वाली ओलिगोमर से, ये किसने, ये ई जीन के एंजाइम ने इसके साथ अटैच करवाया। अब जब ये स्टोरी हुई होगी, जब ये गोजी बॉडी के पास पहुंचेगा और गोजी बॉडी जब इसको बाहर निकालेगा, ठीक है, वो क्या करेगा, उसको इम्प्लांट कर देगा, ठीक है, क्या करेगा, मैकेनिज्म दोनों को सिमिलर है, ये क्या करेगा, ये जो गोजी बॉडी के पास पहुंचेगा बेसिकल में, अब ये गोजी बॉडी है, गोजी बॉडी के पास पहुंचा, और गोजी बॉडी के पास पहुंचने के बाद क्या होगा, अब ये सर्कल भी इसके साथ मौजूद है, एनएसएचएल गैलेक्टोज भी मौजूद है, ये गोजी बॉडी के मेमोरी के साथ इम्प्लांट कर दिया जाएगा, ठीक है, ये सर्कल भी मौजूद है, जब इसको बाहर निकालेंगे तो ये आप इसके साथ एक सर्कल भी मौजूद होगा। नाउ इट्स अ डिफरेंट एंटीजन, इट्स नॉट ओ एंटीजन, क्यों, ओ के साथ अभी एन एसिटाइल गैलेक्टोजामिन भी मौजूद है, इसे हम क्या कहेंगे, इट इज नाउ ए एंटीजन, क्या होगा, ये ए एंटीजन होगा, तो ए के एक्सप्रेशन से फिर हम कहेंगे कि ए एंटीजन होगा, तो हमारे आरबीसीज में ए वाला एंटीजन मौजूद है, और जब ए एंटीजन मौजूद होगा तो एंटी ए मौजूद नहीं होगा, एंटी ए एंटीबॉडी मौजूद नहीं होंगे, वो वाली सुप्रेस होंगे, तो क्या मौजूद होंगे जी, कॉमन सेंस की बात है, एंटी बी एक्सप्रेस हो रहे हैं, वेरी गुड, एंटी बी को सुप्रेस करने के लिए ये वाली जीन अभी तक एक्सप्रेस नहीं हुए, तो इस बंदे का ब्लड ग्रुप होगा ब्लड ग्रुप ए, इस बंदे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए, ये ब्लड ग्रुप ए मौजूद, ये ब्लड ग्रुप ए, दिस इज द ब्लड ग्रुप ए, अब ये ब्लड ग्रुप ए मीन्स आपके जीन ए एक्सप्रेस हो रहे हैं, जीन ए एक्सप्रेस हो रहे हैं, अब जब जीन ए एक्सप्रेस हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि एंटी ए एंटीबॉडी या एंटी ए एंटी जीन, एंटी ए वाले जो जीन्स है वो एक्सप्रेस नहीं होंगे, तो कौन से जीन्स एक्सप्रेस होंगे, ये वाले जीन्स एक्सप्रेस होंगे, तो ब्लड के अंदर क्या मौजूद होगा, वेरी गुड, एंटी बी एंटीबॉडी मौजूद होंगे, ठीक, और इसमें ये वाले एंटीबॉडीज मौजूद नहीं होंगे, तो जिन बंदों का ब्लड ग्रुप ए होता है उनमें एंटी बी एंटीबॉडीज मौजूद होते हैं, ठीक। अब ए पॉजिटिव के क्या केस है, पॉजिटिव और से देखें, ये पॉजिटिव है, अभी तो देखें ए वाले जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं, ए वाला जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं और ये ए एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे मौजूद है, और इसके साथ साथ अगर आरएच जीन भी एक्सप्रेस होंगे, अगर आरएच जीन भी एक्सप्रेस होंगे तो इसे फिर हम पॉजिटिव से शो करते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि ए पॉजिटिव है क्योंकि आरएच प्रोटीन भी मौजूद है, आरएच प्रोटीन भी मौजूद है, और अगर आरएच जीन एक्सप्रेस नहीं होगा, अगर आरएच जीन एक्सप्रेस नहीं होगा फिर ये ई नेगेटिव कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ई नेगेटिव कहलाएगा, और कॉमन सेंस, अगर ये एक्सप्रेस होगा तो ये वाला एंटी आरएच एक्सप्रेस नहीं होगा, वो सुप्रेस हो जाएगा, ठीक है, तो हम कहेंगे अगर ए पॉजिटिव होगा, अगर ए पॉजिटिव होगा तो ए पॉजिटिव मीन्स ये एक्सप्रेस हो रहा है, दिस इज बीइंग एक्सप्रेसिंग बीइंग एक्सप्रेस्ड, ठीक है, ये एक्सप्रेस हो रहा है लेकिन वो वाले एक्सप्रेस नहीं हो रहे, वो वाले सुप्रेस हो रहे, तो इस शख्स के अंदर ये वाले एंटीजन मौजूद नहीं होंगे, एंटी आरएच एंटीबॉडी मौजूद नहीं होंगे ए पॉजिटिव के केस में, तो ए पॉजिटिव के केस में सिर्फ क्या मौजूद होगा, एंटी बी एंटीबॉडी मौजूद होंगे, और अगर ये ए नेगेटिव है, ए नेगेटिव मीन्स आपका आरएच प्रोटीन एक्सप्रेस नहीं हो रहा, वेरी गुड, वो माइनस में, जब ये माइनस में तो अगला क्या होगा, वेरी गुड, ये वाला खुद प्लस में हो जाएगा, मतलब वो एक्सप्रेस होंगे, तो फिर क्या होगा, आरएच एंटी आरएच से प्रोटीन बनेंगे और वो क्या बनेंगे, एंटी आरएच प्रोटीन, अगर ये माइनस में है ना, अगर ये माइनस ए नेगेटिव है तो हम कहेंगे एंटी आरएच एंटीबॉडी, एंटीबॉडी की प्रोडक्शन होगी, एंटी आरएच एंटीबॉडी की एक्सप्रेशन होगी, उसकी मौजूद होगा, ठीक है, तो ए नेगेटिव में क्या होगा, एंटी आरएच बॉडी एंटीबॉडी भी मौजूद है और एंटी बी एंटीबॉडी भी मौजूद है, क्लियर। अच्छा, कभी कभार क्या होते हैं, कभी कभार लोगों में सिर्फ जीन बी एक्सप्रेस होते हैं, ए नहीं होते हैं, मैकेनिज्म दोनों किसे मिलर है,
अच्छा मैं कहता हूँ कि ये इसको मैं ए की जगह बी बना लेता हूँ, बात होगी ठीक है, ए की जगह बी बना लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये बी है, अब ये क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि ये वाले बी जीन एक्सप्रेस हुए, तो ए वाले जीन उसमें एक्सप्रेस नहीं होंगे, जिन बंदों का ब्लड ग्रुप बी होगा उनमें ए वाले जीन एक्सप्रेस नहीं होंगे, वेरी गुड। अच्छा जी शुरू में पढ़ा, जब बी ए वाले जीन एक्सप्रेस नहीं होंगे तो एंटी ए जीन एक्सप्रेस होंगे, वेरी गुड, जब एंटी ए जीन एक्सप्रेस होंगे तो वो ये क्या बनाएंगे, एंटी ए एंटीबॉडी बनाएंगे, हम क्या पढ़ रहे हैं, यम बी एंटीजन पढ़ रहे, वेरी गुड, जिनमें बी बनेगा, जिनका ब्लड ग्रुप बी होगा। अब यहां पे क्या होगा, ये बी जीन है, बी जीन से आरएनए बने, एक्सप्रेस हुए इनसे आरएनए बने और आरएनए बाहर आए उनसे प्रोटीन बना और वो प्रोटीन भी एंजाइम होगा, दैट प्रोटीन भी आल्सो बी एंजाइम, वो भी एंजाइम है। अब ये प्रोटीन एंजाइम है, इस एंजाइम को थोड़ा डिफरेंट फंक्शन होगा, जो बी से बन रहे वो क्या करेगा, ए वाला क्या कर रहा था, एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमीन अटैच कर रहा था, बी वाला क्या करेगा, एन सिर्फ गैलेक्टोज अटैच करेगा, क्या सिर्फ अटैच करेगा, गैलेक्टोज, सिर्फ गैलेक्टोज अटैच करेगा, गैलेक्टोज जी, ठीक है जी एल, जी मैं इसको जी एल से लिखता हूँ, जी ए एल गैलेक्टोज अटैच करेगा, गैलेक्टोज एंटर होगा इनटू द ईपीआर और इसके साथ ये जो ओलिगोमर बना रहे ओ जीन जो ओलिगोमर बना रहे यहाँ पे, ठीक है ओलिगोसैकेराइड जो बना रहे, ठीक वो क्या करेगा, इसके साथ गैलेक्टोज अटैच कर देगा और गैलेक्टोज को चले मैं स्क्वेयर से शो करता हूँ, ये स्क्वेयर से मैं गैलेक्टोज को शो कर रहा हूँ, तो इसके साथ स्क्वेयर अटैच कर रहा है, गैलेक्टोज अटैच कर रहा है स्क्वेयर और प्रोसेस वही है, इसके साथ अब स्क्वेयर अटैच है, ये स्क्वेयर इन सबको स्क्वेयर बना रहे हैं, अब सर्कल की जगह जब स्क्वेयर मौजूद होगा इसे हम बी कहेंगे, क्या कहेंगे बी। तो जिन लोगों में जिनका ब्लड ग्रुप बी होता है तो वो क्या होगा, उनमें बी एंटीजन मौजूद होंगे, क्या मौजूद होंगे, बी एंटीजन मौजूद होंगे और इसके साथ साथ अगर आरएच प्रोटीन एक्सप्रेस हो रहा है तो वो बी पॉजिटिव कहलाएगा और अगर आरएच प्रोटीन एक्सप्रेस नहीं हो रहा है तो वो बी नेगेटिव कहलाएगा, ठीक। अब कॉमन सेंस की बात है, हम इसके ब्लड में एंटीबॉडीज देखते हैं कि इसके ब्लड में बी नेगेटिव वाले शख्स के ब्लड में एंटीबॉडीज कौन से मौजूद होंगे, कॉमन सेंस की बात है, गौर से देखें, सिर्फ अच्छा ओ तो एक्सप्रेस हो रहे थे उसको छोड़ें, ठीक है बी एक्सप्रेस हो रहे हैं, सिर्फ बी एक्सप्रेस हो रहे हैं, बी नेगेटिव है, नेगेटिव मींस आर एच भी एक्सप्रेस नहीं हो रहा और ए वाले भी एक्सप्रेस नहीं हो रहा, अब बी खुद एक्सप्रेस हो रहे तो इट मीन्स बी के जो एंटी है वो एक्सप्रेस नहीं होंगे, वो वाले सप्रेस हो जाएंगे, तो इस शख्स के अंदर एंटी बी एंटीबॉडी मौजूद नहीं हो सकते, ठीक है इसके अंदर एंटी बी एंटीबॉडी मौजूद नहीं हो सकते, इसके अंदर एंटी बी एंटीबॉडी मौजूद नहीं हो सकते, और यहाँ पे देखें ए जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहा और बी आर एच वाले जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहा तो इसके एंटी वाले क्या होंगे, वेरी गुड, दोनों एक्सप्रेस होंगे, तो इसके अंदर एंटी ए एंटीबॉडी मौजूद होंगे और एंटी आर एच एंटीबॉडी मौजूद होंगे, किसके अंदर, ये बी नेगेटिव शख्स के अंदर, और अगर ये बी पॉजिटिव है, अगर बी पॉजिटिव है जी, अगर बी पॉजिटिव तो क्या करेगा, वेरी गुड, ये वाले जीन एक्सप्रेस होगा, बी भी एक्सप्रेस हो रहे आर एच वाले भी एक्सप्रेस हो रहे, तो मतलब यहाँ पे ना एंटी बी और ना एंटी आर एच दोनों एक्सप्रेस नहीं होंगे, सिर्फ एंटी ए वाला एक्सप्रेस होगा, इस शख्स के अंदर सिर्फ एंटी ए एंटीबॉडी मौजूद होंगे, क्या सिर्फ ये वाले एंटी ए एंटीबॉडी मौजूद होंगे, क्लियर है तक। अच्छा अब इसके बाद मैं कहता हूं कि एक तीसरा बंदा है या फोर्थ पर्सन है, उनके अंदर ई जीन भी एक्सप्रेस हो रहे, कौन सा जीन, ए जीन, ए वाला जीन भी एक्सप्रेस होगा, अच्छा जी मैं कहता हूं कि इसके अंदर ए जीन भी एक्सप्रेस हो रहे, ये ए जीन है और ए जीन भी एक्सप्रेस हो रहे और बी जीन भी एक्सप्रेस हो रहे, बी वाली जीन भी एक्सप्रेस हो रहे, ठीक है बी वाली जीन भी एक्सप्रेस हो रहे, अब क्या होगा, दोनों में से आरएनए बनेंगे और आरएनए के प्रोटीन बनेंगे और प्रोटीन बनाने के बाद ए का फंक्शन हम पढ़ चुके हैं, एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमीन को अटैच कर रहे हैं, किसके साथ, इस वाले ओलिगोमर के साथ अटैच कर रहे हैं, तो इसके साथ एक सर्कल भी अटैच होगा, ये एक सर्कल भी अटैच हो रहे हैं ए जीन की वजह से और एक स्क्वेयर जो कि गैलेक्टोज, हमने इसको स्क्वेयर को गैलेक्टोज बोला है, ठीक है और क्या होगा,
स्क्वेयर मतलब ग्रेटोज भी इसके साथ अटैच हो रहे हैं क्योंकि दोनों एक्सप्रेस हो रहे हैं, दोनों एंजाइम्स बनेंगे और दोनों एंजाइम के बनने की वजह से इस पे स्क्वेयर मतलब ग्रेटोज भी मौजूद है और इस पे सर्कल मतलब एनएसएचएल ग्रेटोज एमिन भी मौजूद है। और वो क्या करेगा, जब सेल से बाहर निकलेगा अब इसके अंदर दोनों मौजूद है, स्क्वेयर और सर्कल दोनों मौजूद है। अब इसे क्या कहेंगे, ये एक नया एंटीजन, इसे कहेंगे ए बी एंटीजन, ए बी एंटीजन। क्यों ए बी क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें ए वाले एंटीजन भी मौजूद है, ए वाले जीन की वजह से ए वाले जीन भी एक्सप्रेस हो रहे और बी वाले जीन भी एक्सप्रेस हो रहे। ये क्या होगा, ए बी एंटीजन इसमें मौजूद होगा और इस शख्स का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी ब्लड ग्रुप होगा। क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए बी होगा। और इसके साथ साथ अगर आर एच एक्सप्रेस नहीं हो रहा, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ इस केस में मैं कहता हूँ कि एक्सप्रेस नहीं हो रहा तो ए नेगेटिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ए बी, सॉरी ए बी नेगेटिव, ये ए बी नेगेटिव कहलाएगा। क्यों, ये नेगेटिव शो करेगा या फिर आर एच को, ठीक है। अगर ये एक्सप्रेस नहीं होगा आर एच, सो इट मीन्स ये वेरी गुड, ये वाले एक्सप्रेस होंगे। इसमें क्या होंगे, ए बी नेगेटिव शख्स में आर एंटी आर एच एंटीबॉडीज मौजूद होते हैं, एंटी आर एच एंटीबॉडीज मौजूद होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, ए बी कौन से, ए बी नेगेटिव वाले में, ए बी नेगेटिव वाले में एंटी आर एच एंटीबॉडीज मौजूद होते हैं, एंटी आर एच एंटीबॉडीज, एंटी आर एच एंटीबॉडीज मौजूद होते हैं। और इसके साथ अगर ए बी एक्सप्रेस हो रहे, ए जीन भी एक्सप्रेस हो रहे, बी जीन भी एक्सप्रेस हो रहे और आर जीन भी एक्सप्रेस हो रहे, तो इसको हम क्या कहेंगे, ए बी पॉजिटिव कहेंगे। क्या कहेंगे, ए बी पॉजिटिव कहेंगे। और इट मींस अगर ये तीनों जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं तो अब वो तीनों जीन सप्रेस हो जाएंगे, तीनों जीन एक्सप्रेस नहीं होंगे प्लाज्मा में, प्लाज्मा सेल में तीनों जीन एक्सप्रेस नहीं होंगे। जब तीनों सेल तीनों जीन एक्सप्रेस नहीं होंगे तो इन वाले इस वाले शख्स में जिसका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव होगा, ना उसमें एंटी ए एंटीबॉडी मौजूद होंगे, ना एंटी बी एंटीबॉडी मौजूद होंगे और ना एंटी आर एच एंटीबॉडी मौजूद होते हैं, इनमें ये तीनों मौजूद नहीं होते। इनमें क्या होगा, सिर्फ कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं होगा, कोई भी एंटीबॉडी मौजूद नहीं होगा, इनके आर बी सी पे सिर्फ ए बी पॉजिटिव एंटीजन मौजूद होते हैं, ठीक। तो ये क्या हुआ, ये ब्लड ग्रुप हमारा हुआ जो कि हमने मॉलिक्यूलर लेवल पे इसको समझा। तो इसमें क्या था, इसमें चार जीन्स मौजूद हैं जो कि ओ हमेशा एक्सप्रेस होता रहेगा, ठीक। अगर ओ तो हमेशा एक्सप्रेस होगा और ओ की एक्सप्रेशन से आपका यहाँ पे ओलिगोसैकेराइड बनेगा और वो ओलिगोसैकेराइड यहाँ पे अटैच होगा। और इसके साथ जिन शख्स में, जिन शख्स का लोगों का ब्लड ग्रुप ए होता है तो उनमें सिर्फ ए प्रोटीन्स बनेंगे, ए एंटीजन्स बनेंगे, सिर्फ ए वाले जीन एक्सप्रेस होंगे और वो आकर इसके साथ एनएसएचएल ग्लेक्टोजामिन लगाएंगे। और जिन लोगों में सिर्फ बी मौजूद होगा, बी एक्सप्रेस होगा, जिन लोगों का ब्लड ग्रुप बी होगा उनमें सिर्फ बी जीन एक्सप्रेस होंगे, उन लोगों में क्या होगा, सिर्फ ग्लेक्टोज उसके एंटीजन पे मौजूद होंगे, उन लोगों का क्या होगा, बी पॉजिटिव मतलब बी ब्लड ग्रुप होगा। और अगर दोनों एक्सप्रेस होंगे तो क्या होगा, ए बी होगा। और इनके साथ अगर आर एच एक्सप्रेस हुआ तो क्या होगा, वो पॉजिटिव कहलाएगा, और आर एच एक्सप्रेस नहीं हुआ तो ये क्या कहलाएगा, ये नेगेटिव कहलाएगा। तो अगर ये एक्सप्रेस हो रहे ये सुप्रेस होंगे, ओ के अलावा की बात हो रही है, अगर ये एक्सप्रेस हो रहे वो सुप्रेस होंगे, वो नहीं होंगे सुप्रेस। और अगर वो सुप्रेस हो रहे हैं, अगर वो एक्सप्रेस हो रहे तो ये सुप्रेस होंगे, अगर इनमें से ये वाला एक्सप्रेस हो रहे तो इसका जो काउंटर है एंटी ए ए वो एक्सप्रेस नहीं होगा, और अगर ये एक्सप्रेस हो रहे तो ये वाला एक्सप्रेस नहीं होगा। सो दिस इज हाउ वी क्लासीफाई ए बी ओ ब्लड ग्रुप। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।